नमस्कार दोस्तों, जय सीएलसी। कैसे हैं सब लोग? मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। ये वीडियो मैं मेरे उन सारे स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड करने जा रहा हूं जो किसी भी कारणवश, मैं कारण की चर्चा नहीं करना चाहूंगा, किसी भी कारणवश नीट या जेईई 2020 में सफल नहीं हो पाए। और सफल नहीं हो पाए वो बात अलग है, बट वो असफल भी नहीं रहे। कोई 20 नंबर दूर है, कोई 50 नंबर दूर है, या कोई 100 नंबर दूर रह गया, तो उसको मैं नो डाउट सफल भी नहीं कह सकता, बट दोस्तों निश्चित रूप से मैं उसको असफल भी नहीं कह सकता। और ये बात मैं हिंदुस्तान के हर बच्चे से करने जा रहा हूं जिसने जेईई और नीट 2020 का एग्जाम दिया। दोस्तों आज आप अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं, अब आप किसी कोचिंग के बच्चे नहीं है। तो सारे बच्चों के लिए एक खुला न्योता, एक ओपन इन्विटेशन मैं देने जा रहा हूं। बेटा जी, जिंदगी में एक लाइन है जो मेरी बहुत प्रिय लाइन है, उसको सुनते हुए हम 2021 की लड़ाई में वापस से लग जाएं। वो लाइन क्या कहती है कि इम्तिहानों के दौर यहां यूं ही चलते हैं, आंधियों में भी उम्मीदों के दिए जलते हैं। निश्चित है आज आप लोग अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्ट फील कर रहे हैं, छत घर की छत पे जाके निश्चित बात है आपकी आंखों में पानी आ रहा है, लेकिन ये पानी दोस्तों ता जिंदगी ना रहे, इसलिए वापस से खड़े हो जाओ। मैं आपके साथ हूं, सीएलसी आपके साथ है। दोस्तों आपके अपने सीएलसी ने जेईई और नीट रिपीटर्स के लिए सेपरेट बैच स्टार्ट कर दिए हैं। आज 29 अक्टूबर को एक बैच स्टार्ट हो रहा है, 5 नवंबर को एक फिर अगला बैच स्टार्ट होगा। आप इस वीडियो को जहां भी कहीं देश में देख रहे हैं, आप सीएलसी सीकर आए जहां आपके सेपरेट बैच है, आपकी सेपरेट हॉस्टल व्यवस्था है, और हर तरह से आपको कोऑपरेट किया जाएगा, फीस को भी लेके, भावनात्मक मोटिवेशन को भी लेके, आपकी केयर को भी लेकर, सारी चीजों को लेकर आपके अपने सीएलसी एक औलाद की तरह आपको अगले एक साल पालने के लिए तैयार हो रही है। कोरोना टाइम में मैंने खुद भी महसूस किया है कि हर आदमी परेशान हुआ है, आपके पेरेंट्स भी परेशान रहे हैं। तो दोस्तों आर्थिक रूप से भी सीएलसी आज तक भी सहयोग करती आई है, पर इस बार 2 कदम ज्यादा सहयोग आपका करने जा रहे हैं। ये कोई किसी पे एहसान नहीं है, ये हमारी पिछले 24 साल के बच्चों और पेरेंट्स के लगाव के कारण है। और पिछले 7 महीने में जो लॉकडाउन के दौरान मेरा लगाव मेरे बच्चों से, मेरे बच्चों का लगाव मुझसे हुआ, उसका एक फल है या उसका एक परिणाम है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसको 2021 की जंग जीतनी है वो साथ हो जाए श्रवण के, वो साथ हो जाए सीएलसी के। 5 नवंबर से रिपीटर का बैच स्टार्ट हो रहा, आप उसको ज्वाइन करें आके। ओके डियर, अब आप कहें साहब हम क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, हम लोग यहां नहीं आ सकते, आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है? तो फीस स्ट्रक्चर दोस्तों आप यदि मेरे फोन करोगे हेल्पलाइन नंबर पे मुझे, तो हम क्या बताएंगे? हम कहेंगे साहब ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है, ये हमारा फीस स्ट्रक्चर, हम कहेंगे कि ऑफलाइन क्लास का है, ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है वो ऑनलाइन क्लास का है, ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है वो नीट और जेई की रैंक के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है। लेकिन दोस्तों ये फीस स्ट्रक्चर हमारा टेस्ट सीरीज का है, ये फीस स्ट्रक्चर हमारा ये शेड्यूल है टेस्ट सीरीज का, ये शेड्यूल है आईटी के लिए, और ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है स्टडी मटेरियल का। ये आप मेरे काउंसलर से बात करोगे तो ये जवाब आपको मिलेगा। लेकिन मैं इस लाइव के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रोमिस कर रहा हूं कि सीएलसी सीकर आप मुझसे आके मिलोगे तो आपके भाव को देखते हुए, आपकी योग्यता को देखते हुए, आपकी जरूरत को देखते हुए, आपकी सीएलसी कोचिंग के साथ साथ हॉस्टल में भी आपका सहयोग करेगी। कितना सहयोग करेगी मैं कोई व्यवसायिक भाषा नहीं बोलना चाहता, यदि आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं तो आप सीएलसी सीकर आ जाएं, और मुझ पर यकीन कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इसका भी एक प्रमाण देता हूं। 24 मार्च से लेके आज तक, आज मैं बात कर रहा हूं आपसे ये 28 अक्टूबर को, आज तक दोस्तों पिछले 7 महीने में मैंने एज ए शिक्षक, एज ए मेंटर, एज ए टीचर आपका साथ दिया है। और मैं विशेष रूप से मेरे सीएलसी के बच्चों से करना चाहता हूं, या उन सारे बच्चों को जो पिछले 6 महीने जुड़े हुए मेरे साथ, आप सीएलसी आए, मैं ये नहीं करना चाहता। मैं तो कहता हूं एक बार अकेले बैठ के ये फैसला करें कि मार्च से लेके 13 सितंबर तक या 26 सितंबर, 27 सितंबर आईटी के एडवांस तक, यदि किसी व्यक्ति ने आपका साथ दिया है तो वो सीएलसी है, वो श्रवण है। तो आपको 21 की जंग मेरे साथ खड़े होकर लड़नी चाहिए, हम निश्चित रूप से फतह करेंगे, हम जीत जाएंगे, कहीं कोई इसमें डाउट नहीं है। आप सीकरा के क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा स्टडी मटेरियल मंगा सकते हैं, और ये भी नहीं कर सकते हैं
तो फिर एक शिक्षक धर्म निभा रहा हूं, एक गुरु नीति नाम के मैंने एक नया प्रोग्राम आपको दिया है। मेडिकल का ये लॉन्च हो चुका है, आईआईटी का लॉन्च होगा दोस्तों 19 नवंबर से। मेडिकल में 180 वीडियो हम लोग आपको देंगे, जिसमें अभी 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को रोज दो दो वीडियो हमने आपको हमारे YouTube चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जिनका कोई चार्ज नहीं है। ऐसे ही 150 वीडियो हम जेई के लिए आपको देंगे, जिसका पहला वीडियो आपके पास आएगा 19 नवंबर दीपावली के बाद थर्सडे को। ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है। आप यदि बार बार कह रहा हूं आप क्लास नहीं ज्वाइन करें, साल दो साल आप तैयारी कर चुके हैं, तो आप सीएलसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, गुरुनीति के वीडियो ज्वाइन कर लें और सीएलसी का स्टडी मटेरियल मंगा लें। सीएलसी के स्टडी मटेरियल का टोटल का वीडियो सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे यूट्यूब पे या clclive.in हमारे पोर्टल पे। बातें बहुत सारी की जा सकती हैं, मैं तो एक ही प्रश्न करना चाहता हूं कि पिछले 7 महीने में आप सीएलसी और आप किसी अन्य कोचिंग में थे, उन दोनों कंपेयर करें कि किस सिस्टम ने, किस व्यक्ति ने आपके लिए काम किया। या आपको कहीं लगता है कि आपकी सीएलसी या आपका बोस या आपका श्रवण भारी पड़ता उस काम पे, तो आपको बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह ईमानदारी से मेरी उंगली पकड़ के और 5 नवंबर के बैच को आपको दोस्तों आके ज्वाइन करना चाहिए। फिर से कहता हूं, हॉस्टल का सहयोग, फीस का सहयोग, कोचिंग का सहयोग और उसके अलावा तेरी केयर जो मैं 7 महीने से करता आ रहा हूं। ये काम तो भाई मैं 24 साल से कर रहा हूं, लेकिन पहले ये मेरा काम कई बार लोगों के सामने नहीं आया। मैं धन्यवाद देता हूं कोरोना का कि उसने मेरे 24 साल के काम को आप तक पहुंचाया। 24 साल के काम को पिछले 7 महीने में आप तक पहुंच पाया। जैसा कि कल 28 अक्टूबर को मैं 184 बार फेसबुक पे लाइव आ चुका हूं। मैं डेली फेसबुक लाइव आऊंगा और हमेशा आऊंगा। ये कोरोना रहता है कि नहीं रहता है, ये मेरा कमिटमेंट है ताज जिंदगी। जब तक मैं शिक्षक रहूंगा और मैं ताज शिक्षक रहूंगा ताज जिंदगी। ठीक 6:30 बजे सीएलसी सीकर का फेसबुक पेज और सीएलसी सीकर के यूट्यूब चैनल पे आपसे मैं लाइव बात करूंगा। और मैं मेरे सीएलसीएन से तो विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि हमने साल दो साल जो मेहनत की है, हो सकता है वो मेहनत परिणाम में कन्वर्ट ना हुई हो। दोस्तों, अधूरे काम की दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई काउंट नहीं करता है। आओ अपनी सीएलसी, आप और हम दोनों मिलके वापस इसको पूर्णता में देते हैं। और मैं इस वीडियो से देश के हर बच्चे से अपील करना चाहता हूं जो नीट और जेई की तैयारी कर रहा है, आप क्लास नहीं ले सकते किसी भी कारणवश से, तो गुरु नीति का जो हमारा ये प्रोजेक्ट है इसको आप फॉलो 100% करें। जेई के वीडियो भी 19 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। बस इतनी सी बात मुझे आपको इस वीडियो के माध्यम से कहनी थी। आपके इंतजार में आपका अपना श्रवण। विश्वास कैसे जीतता है? निखिल अग्रवाल ने आईआईटी छोड़ा, विश्वास किया, आज अच्छी रैंक आ गई। विकास ने एनआईटी छोड़ा, आज अच्छी रैंक आ गई। विवेक ने एनआईटी छोड़ा, अच्छी रैंक आ गई। रवि ने एनआईटी छोड़ा, आज अच्छी रैंक आ गई। दोस्तों, तो ये वो बच्चे हैं जो लास्ट एनआईटी छोड़ के आईटी पे आए। ऐसे मेडिकल में ज्योति कुमार को लास्ट पेमेंट शीट मिल रही थी, उसे छोड़ा मेरे कहने से, आज आपके सामने लेडी हार्डिंग या मधुरा आजाद जा रही है। ऐसे हजारों बच्चे होते हैं हर साल जो वापस विश्वास करते हैं, जुड़ते हैं और वो विजेता बनते हैं, जिनके फोटोज अखबारों में, मीडिया में, सब में आती है। तो आपको लगता है यार ये तो आज हीरो बन गए, लेकिन दोस्तों हीरो एक दिन ही बनते हैं, वो स्टार नहीं बनते एक दिन में। सबसे पहले विश्वास करते हैं, विश्वास करके वो मेहनत करते हैं। एक बात कह देता हूं, लोग कहते हैं सफलता मिलती है मेहनत से, मैं उल्टा बोलता हूं दोस्तों, मेहनत बहुत लोग करते हैं, सफलता मिलती है विश्वास से। किसी भी विश्वास करो सबसे पहले, उसके बाद मेहनत करो। जिससे भी मेहनत में विश्वास नहीं है वो मेहनत निरर्थक है। दोस्तों, मेहनत वही रिजल्ट देती है जो विश्वास के साथ की जाती है। विश्वास टीम पर, विश्वास सिस्टम पर, विश्वास सीएलसी पर और विश्वास श्रवण पर। और फिर से वही बात करना चाहता हूं, ये 7 महीने के काम को एक बार आप एनालिसिस कर लें। मैं निवेदन करना चाहता हूं पेरेंट्स से भी, कई बार आप लोग छोटे से लालच में, किसी के बहकावे में, कई बार कुछ लोग दलालों के चक्कर उड़ के भी अपने बच्चे का करियर खराब कर लेते हैं। भाई अपना फैसला खुद करें। फिर से कहता हूं, टेलीफोन पे आप कॉल करोगे हेल्पलाइन पे, तो जो स्लाइड आपको उन्होंने दिखाई है यही फीस आपको बताएंगी। 2-5 हजार आगे पीछे कर लेंगे। श्रवण अपनी आखिरी बात के साथ वीडियो समाप्त करने जा रहा है। सीएलसी सीकर आ गए तो जैसी आपकी जरूरत है, जैसा आपका व्यवहार है और जैसी आपकी योग्यता है, उसके अकॉर्डिंग कोचिंग में भी और रहने में भी व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि मेरा मिशन है इस साल, क्योंकि सीएलसी अपना 25वां वर्षगांठ मनाने जा रही है, मैं मेरे 25वें साल में जो मुझसे बन पाएगा उससे ज्यादा, मेरी हैसियत, मेरी औकात से ज्यादा मैं इस साल बच्चों का सेवक करने की ठानी है और मैं करूंगा। अब माफी चाहता हूं,
किसका सौभाग्य है जो सीएलसी की इस मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। बाकी दोस्तों कहते हैं ना, बनाने वाले ने सब कुछ बनाया, किसको क्या मिला ये उसके मुकद्दर की बात है। मैं तो वही श्रवण हूं, आपको ज्योति कुमार बनके मेरे पास आना है, आपको निखिल अग्रवाल बनके मेरे पास आना है। तो अब सारे बच्चों से, देश के सारे बच्चों से अपील है कि इस हमारे यज्ञ में आप हमारे साथ बैठें, ताकि हम सब मिलकर आहुति दें, ताकि सीएलसी और आपके परिवार में खुशियां आएं, हमारा यज्ञ सफल हो और 2021 की जेई और नीट के हम टॉपर्स हों, देश में एक नई परंपरा शुरू करें, झोंपड़ी बैठी खोपड़ियों से देश को टॉप कराएं, बुदुरी के लाल से देश को टॉप कराएं, ग्रामीण प्रतिभाओं के बच्चों को, गांव के सामान्य से बच्चों को देश को टॉप कराएं, ये सपना है। तो आपके इंतजार में आपका अपना श्रवण, सब जानते हैं मुझे मेरे बच्चे बोस कहते हैं, आपका अपना बोस। और दोस्तों निश्चित रूप से 21 हमारा होगा, ये मेरा विश्वास सबसे पहले आपकी मेहनत पे है, आपके विश्वास पे है, मेरी मेहनत पे है, मेरा आपके विश्वास पे है, और सबसे बड़ा विश्वास मुझे मेरे वाहेगुरु पे है। मैं आज तक कभी असफल नहीं हुआ और इस मिशन 21 में मैं असफल हो ही नहीं सकता, 100% सफल रहेंगे। 25वां साल सीएलसी का यादगार साल बनाएंगे, अब तक की पूरी मेहनत को रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे। आपके इंतजार में आपका अपना बोझ, आपका अपना श्रवण, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, सीएलसी सीकर आपके इंतजार में। जय जय सीएलसी, जय जय सीएलसी।